1992, इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पोस्ट एपेथाइड लॉस से जूझ रहा था और 23 सालों बाद क्रिकेट में वापसी कर रहा था। इंडिया का भी किसी भी रेनबो नेशन में यह पहला टूर था। ये टूर बहुत सारे कारणों के कारण चर्चा में रहा। पहली बार इसी सीरीज में टीवी रिप्ले को इंट्रोड्यूस किया गया था और टीवी अंपायर का भी उत्थान इसी सीरीज से हुआ था। इंडिया एक फ्रेंडशिप सीरीज खेलने आई थी। इंडियन टीम के उतरते ही काफ़ी जोरों शोरों से इनका स्वागत किया जा रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह प्रशंसा आलोचना में बदलने वाली थी। इंडिया को 7 ओडीआई मैच और 4 टेस्ट मैच खेलने के लिए बुलाया गया था। सेकेंड ओडीआई चल रहा था और इंडियन टीम 147 ही बना सकी थी। वहीं बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका ने भी अपने ओपनर एंड्री हुडसन को जल्दी खो दिया था। हुडसन के जाने के कारण पीटर क्रिस्टन क्रीज पर आए थे। पीटर क्रिस्टन का टेस्ट सीरीज कुछ खास नहीं गया था और 4 मैचेस में सिर्फ 76 रन ही बना सके थे, लेकिन पहले ओडीआई में हाफ सेंचुरी लगा कर आ रहे थे। 5 ओवर के बाद कपिल देव बॉलिंग करने आए और स्ट्राइक पर साउथ अफ्रीका के कप्तान वेशल्स बल्लेबाजी कर रहे थे। कपिल अपने रनअप के साथ जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पीटर क्रिस्टन क्रीज से बहुत आगे चले गए थे। अपने स्वभाव से परे कूल और काम रहने वाले कपिल देव बड़े गुस्से में बॉल को विकेटों में लगा दिया और अंपायर की तरफ देखकर आउट की अपील की। अंपायर साइरस मिचली थे, जिनके पास आउट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब क्रिकेट में इस तरह के डिसमिसल्स लॉफुली तो अलाउड थे, लेकिन इससे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ बताया जाता रहा है। हालांकि प्रॉपर क्रिकेट एथिक्स की माने अगर बॉलर नॉन स्ट्राइकर को क्रीज से बाहर जाते देखता है तो उसे एक बार वार्निंग देनी चाहिए ताकि वो अगले बार इसे फिर से ना दोहराए। लेकिन यहाँ कपिल देव ने इस मैच में बिना किसी वार्निंग के क्रिस्टन को मैन कैंट कर दिया था। लेकिन तुरंत इन प्रश्नों पर रोक लगाते हुए कपिल ने 3 उंगलियां वेसल्स को दिखाते हुए कहा कि उन्होंने प्रीवियस मैचेस में भी पीटर क्रिस्टन को वार्न किया था और ये तीसरी बार सेम मिस्टेक कर रहे थे। कपिल देव ने कोई लाइन क्रॉस नहीं की थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के अनुसार उन्होंने साड़ी हदें पार कर दी थी। वेसल्स उस एक्ट से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने गुस्से को एक्शन में तब्दील करना सही समझा और रन लेते हुए कपिल देव के घुटने के नीचे अपने बैट से हिट किया था। इंडिया मैच हार गई थी और मैच खत्म होने के बाद वेसल्स के खिलाफ एक ऑफिशियल कंप्लेन लॉज हुई इंडिया की तरफ से, कपिल देव को इंटेंशनली हिट करने के लिए। और ये भी क्लेम किया गया कि पीटर क्रिस्टन डिसीजन मानने को तैयार नहीं थे। जूरी बैठी और अगले ही दिन मैच रेफरी क्लाइव ने बताया कि वेसल्स ने हिट मारना तो एक्सेप्ट किया, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं था और पीटर क्रिस्टन के ऊपर मैच फीस का 50% फाइन लगाया गया है फॉर अनएक्सेप्टेबल कंडक्ट। साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज तो 5-2 से कंफर्टेबली जीत गई थी, लेकिन अब पूरे रेनबो नेशन में इंडियन टीम और कपिल देव किसी के भी फेवरेट्स नहीं थे। वो फूलों से किया हुआ स्वागत मानो कांटों जैसा चुभने लगा था साउथ अफ्रीका को। कई शॉट्स फायर हुए और दोनों तरफ के मीडियाज ने अपने अपने देश को डिफेंड करना चालू कर दिया था। एक फ्रेंडशिप सीरीज मानो एक जंग के रूप में तब्दील हो गई थी, वो भी बस एक मैन कैंट की वजह से। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्रिकेट रिलेटेड स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।